स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या म्यांमार गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है चैलेंज बन के आ रहा है चैलेंज फॉर नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बट फॉर दर रीजन इंक्लूडिंग बांग्लादेश तो इस चीज को समझिए क्योंकि रिसेंटली हमने सितवे पोर्ट का डील किया और आप देख रहे हैं कि हमारे ही एक स्टेट मणिपुर में देर इज इतनी कॉन्फ्लिक्ट बार बार चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ म्यांमार और एन ने तो अब कह दिया डायरेक्टली एनआईए हैज डायरेक्टली कॉल्ड इट आउट कि देर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यांमार रेबल्स इन मणिपुर तो इस चीज को समझिए कि वाई डू वी नीड म्यांमार और इसके साथ क्या और सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या ऐसी इशूज आ रही हैं तो पहले म्यांमार को देखिए दैट जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं जब भी हम जोग्राफी की बात करते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम इन डायरेक्शन से ब्लॉक हो रखे हैं हम हर जगह से ये ब्लॉक्ड ब्लॉक वी आर ब्लॉक्ड फॉर ट्रेड वी आर ब्लॉक्ड फॉर कनेक्टिविटी क्योंकि हमारी ये इनिमिकल इंटरेस्ट वाली कंट्री बन रखी है इस पर्टिकुलर कंट्री ने तो हमें कंप्लीटली ब्लॉक कर रखा है टूवर्ड्स तो आवर वेस्ट तो इसके कारण हम सेंट्रल एशिया एक्सेट्रा हम एक्सेस नहीं कर पाते ठीक है तो अब आपके पास है जो पूरा पेनिनसुला so, आपको एक्सेस देता है टूवर्ड सी तो इसके कारण आप देखेंगे तो चाइना के ईस्टर्न पार्ट में कोस्टल रीजन में आपको डेवलपमेंट दिखेगा क्योंकि यू आर ट्रेडिंग आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यू आर अर्निंग इन डॉलर एंड उसी तरीके से जो हमारा सदन पेनिनसुला है दर गेट वेस्ट से ब्लॉक कर रखा है ठीक है वट अबाउट ईस्ट ईस्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ लिमिटेशन है पहला लिमिटेशन आपको यहां पर दिख जाएगा क्या बोलते हैं इसे? ये इंडिया का जैसे चाइना का एक सबसे बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक इश्यू है मलक्का स्ट्रेट चोकिंग पॉइंट उसी तरीके से हमारा चोक पॉइंट है चोक पॉइंट है जो कभी भी हमारे लिए एट ऑल टाइम्स इट हैज बीन अ इंटरनल सिक्योरिटी इट हैज बीन अ सिक्योरिटी रिस्क इंटरनल सिक्योरिटी नहीं कहेंगे बट इट है सिक्योरिटी रिस्क इनकेसाइना इस डायरेक्शन में अग्रेसिव होता है पर्टिकुलरली जंक्शन कौन सा ट्राई जंक्शन मैं बात कर रहा हूं सिक्किम भूटान एंड दिस रीजन ये जो चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट है वो सिक्किम पार्ट ऑफ इंडिया एंड भूटान जो एरिया है डोकलाम का चुंबी वैली का तो वहां पे हमेशा एक थ्रेट रहता है कि चाइना किसी अग्रेसिव पॉस्चर में वहां पे हमें थ्रेटन तो नहीं करता तो पहली बात आपकी एक बड़ी नैरो कनेक्टिविटी है ये एक बड़ी नैरो कनेक्टिविटी है दिस ओविएट्स द क्वेश्चन दैट टू कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट वी नीड एन ऑल्टरनेट तो पहली बात तो ये समझिए कि ऑल्टरनेट टू नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी हमें चाहिए एक जो बहुत बड़ा कारण है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होने का या कॉन्फ्लिक्ट होने का या लैक ऑफ डेवलपमेंट होने का वो है कि एक बहुत नैरो सा बेल्ट अगर मैं आपको दे दूं और यहां से आपको बोलूं कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस आप इस छोटे से नैरो से एरिया से निकालो और इसी नैरो एरिया में आपको यह भी दिखेगा कि भाई यहां पे कुछ मूवमेंट्स भी चल रहे हैं इसी रीजन में मूवमेंट चल रहे हैं नहीं चल रहे कौन सा मूवमेंट चल रहा है यहां पे मुझे बताइए विच इज थ्रेटरिंग द चिकन ने कॉरिडोर सेकेंड ये ऐसा रीजन है जहां पर यू हैव अ लॉट ऑफ रिवर्स रिवाइंस ठीक है रिव्यूलेट सब कुछ है देन आपके पास क्या है यू हैव अ लॉट ऑफ मॉनसून डेंसली पॉपुलेटेड लॉट ऑफ पीपल एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो बिकम्स काइंड ऑफ क्रॉस रोड फॉर माइग्रेशन अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं फ्रॉम बांग्लादेश दीज एरियाज आर वेरी पोरस आप एक ऐसी फ्लक्स वाले एरिया में है विच ऑलवेज इज अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया ठीक है तो आपको पहली चीज तो है कि यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू नॉर्थ ईस्ट सेकेंडली सेकेंडली यू नीड टू ऑल्सो कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया आपको साउथ ईस्ट एशिया मैं कह रहा हूं आसियान की बात आपको आसियान से कनेक्ट करना है अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें क्यों इतनी जरूरी है क्यों इतनी जरूरी है कनेक्टिविटी तो मैं आपको एक सिंपल आंसर बोलूंगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है वेरी गुड आपको नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है आपको नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया आपको बाईपास करना है वॉट डू यू वॉन्ट टू बाईपास चिकन नेक चिकन ने कॉरिडोर को बाईपास करना है ये सारे इतने स्ट्रेटेजिक रीजन है और आपको क्यूमलेटिवली अगर आप देखें डिस्पैरिटी की बात होती है हमेशा तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है दे आर मोर मोर प्रोस्पेरस ईस्ट में आप जाते हैं तो बात होने लगती है कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल गैप है जिसे हम डिस्पैरिटी कहते हैं तो आप कोई भी इंसर्जेंसी मूवमेंट को देखिए नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा ये बात आती है कि डिस्पैरिटी है भैया सम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंटल गैप तो ये सारे जो चैलेंज कैसे आप कंप्लीट करेंगे जब आप इसका रीजनल डेवलपमेंट करेंगे बात सुनिए रीजनल डेवलपमेंट इसका मतलब इसका मतलब आप सिंपली ये कह रहे हैं कि मुझे आस पास के स्टेट से कनेक्ट करो मुझे आस पास की कंट्रीज से कनेक्ट करो मुझे मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करो मुझे बांग्लादेश से भी कनेक्ट करो ताकि ये पूरा रीजन ये पूरा बे ऑफ बंगाल का ये जो पूरा रीजन है ईस्टर्न रीजन इंडिया का और बांग्लादेश म्यांमार ट्रेड करें और प्रोस्पेरिटी सबके लिए बने क्योंकि तो जब भी आप कनेक्टिविटी जब भी आप पाइपलाइंस बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात आपने सुनी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हाईवे रेल इससे कनेक्ट करते हैं जो कि अभी डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ बॉर्डर्स आप क्या करेंगे आप लोगों को ज्यादा आपस में जोड़ेंगे और जब लोग आपस में ज्यादा जुड़ेंगे तो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम करेंगे दे विल फाइट लेस ऑफन ठीक है तो दैट इज वाई यू रिक्वायर म्यांमार और आपका ये एक कनेक्टिविटी है आपके लिए एक अपनी पॉलिसी में भी है दैट पहले हम बात कर रहे थे लुक ईस्ट की अब हम बोल रहे हैं एक्ट ईस्ट की तो वाई वी वॉन्ट टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया वाई वी वॉन्ट टू कनेक्ट टू वेस्ट एशिया उसी तरीके से हम इधर भी तो कनेक्ट होना चाहते हैं तो so, एक्ट ईस्ट कनेक्ट ईस्ट कैसे थ्रू दीज पाइपलाइंस कैसे पाइपलाइंस जैसे कालादान का प्रोजेक्ट हुआ जैसे यू आर डेवलपिंग द सित पोर्ट यू आर मैनेजिंग द सित पोर्ट यू आर क्रिएटिंग ड्रेजिंग नेटवर्क आप किसी भी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाना चाहते हैं सो so दैट आप यह पूरे कोस्टलाइन को यूज करें और यहां से यू एक्सेस म्यांमार एंड म्यांमार से यू एक्सेस मिजोरम और ऑल्टरनेटिवली आप यहां से बांग्लादेश को एक्सेस करें करेंग के पोर्ट्स और उसके बाद आप त्रिपुरा के साथ अपने सप्लाई खोल दें मतलब इस एरिया के अलावा इस एरिया के अलावा आपको एक फ्रेंड चाहिए अब वो फ्रेंड ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश हमेशा हमारा दोस्त रहेगा या म्यांमार हमेशा हमारा दोस्त रहेगा तो आज ये बात हो रही है कि वी नीड अ एयर पाइपलाइन ऑल्सो आई हवा में वी नीड अ फ्रेट नेटवर्क ऑल अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट हमें एक अच्छा सा फ्रेट नेटवर्क चाहिए हमें बहुत सारे एयरपोर्ट चाहिए जहां से फ्रेट टू एंड फ्रो है हमें साथ ही साथ म्यांमार का मेथड भी चाहिए थ्रू म्यांमार आई वॉन्ट टू एक्सेस माई नॉर्थ ईस्ट एंड थ्रू बांग्लादेश आई वॉन्ट टू एक्सेस माई नॉर्थ ईस्ट और मेरा चिकन नेग तो है ही दैट मीज एलियनेशन जो है जो एक डिफरेंस बन गया जो कि साइकोलॉजिकल भी बन जाता है बहुत बार आप देखेंगे कि जो, जो, जो जोग्राफिकल डिवाइड है वो साइकोलॉजिकल डिवाइड वो सोसाइटल डिवाइड क्रिएट कर देता है तो ऐसी डिवाइड विदिन अ कंट्री ना रहे इसलिए यू रिक्वायर मल्टीपल पाइपलाइंस ऑफ कनेक्टिविटी तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है यह हमारी सिर्फ फॉरन पॉलिसी नहीं है यह हमारा एक तरीके से डेवलपमेंटल एजेंडा है ठीक है तो नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट एंड आप देखेंगे कि मल्टीपल कॉपरेशन सार्क बिम्स्टेक आसियान गंगा तो हर एवरी पॉइंट द टाइम डायरेक्शन के म्यांमार को हम इग्नोर नहीं कर सकते अच्छा और जब भी जरूरत होती है तो वी आर द फर्स्ट पर्सन टू गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एड क्रेडिट्स लाइन ऑफ क्रेडिट आप एक्सटेंड करते जाते हो कोई भी प्रिकेरियस सिचुएशन होता है जैसे कोविड तो यू ट्राई टू हेल्प योर नेबर्स बिकॉज यू आर द बिग नेबर ना तो आइडिया क्या है स्मॉलर कंट्री शुड नॉट फील कि हम हम बिग ब्रदरली एटीट्यूड कर रहे हैं रादर एक फ्रेंडली एटीट्यूड में ध्यान रख रहे हैं आसपास की पूरी रीजन की और सारी कम्युनिटीज का ध्यान रख रहे हैं ठीक है अच्छा ये बात कहां से आती है सिक्योरिटी असिस्टेंट्स एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन देखिए जब आप म्यांमार की बात करते हैं जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आपको ये एरिया में इंडिया की हिस्ट्री में बांग्लादेश जिसे हमने बहुत सिस्टमैटिकली आजाद कराया बांग्लादेश वॉज यूज भाई पाकिस्तान क्या बोलते थे इसे ईस्ट इस पाकिस्तान तो बांग्लादेश को तो यूज किया जाता था ना कि बांग्लादेश में सारे रेबल्स को रखा जाए ध्यान से देखिए ये चीज और इन रेबल को पंप किया जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश तो ये पुराना प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ना, ना काट दिया इसी को काट दिया फिनिश न्यू स्टेट ऑफ बांग्लादेश मास रेप करे यहां पे है ना सिक्का खान नस्ल बदल दूंगा बंगालियों की ये बोला था राइट सो दिस एंटायर रीजन एक फ्रीडम एक तो हमें मिला और आज बांग्लादेश से जैसे हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की रेल लाइंस को वापस से री करने की बॉर्डर हार्ट बनाने की उसी तरीके से यहां पे भी हमें सेम सेम अप्रोच ऑल अक्रॉस तो जो भी स्टेट्स यहां पे हैं चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हुआ चाहे नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय आसाम सिक्किम वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न एरियाज दे विल ऑल बेनिफिट फ्रॉम दिस रीजनल और ये जितना कोस्टल बेल्ट आपको दिख रहा है ये कोस्टल बेल्ट भी बेनिफिट करेगा बांग्लादेश भी बेनिफिट करेगा अगर यहां पे सिक्योरिटी रहती है तो सिक्योरिटी रहती है तो इसीलिए ये तीनों कंट्रीज आपस में बहुत कॉपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आप इसीलिए यू कैन यू आर एबल टू ऑपरेट एंड टेक एक्शन ऑन एनी अल्ट्राज विच आर ऑपरेटिंग क्रॉस बॉर्डर अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यह फ्लैश सेल है दिस इज अबाउट प्रिलियम्स टेस्ट सीरीज और आप इसे जरूर ज्वाइन करें बिकॉज देखिए Uh, मेरा हमेशा से एक अप्रोच रहा लाइफ में कि अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप के कर रहे हैं और बट एक चीज हर बच्चा इग्नोर कर रहा है मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों मतलब मैं ये बहुत हार्ड से बात आपको कह रहा हूं कि पता नहीं आपको किसने बोला किसने मिसगाइड किया क्योंकि मैंने अपने पांचों अटेम्प्ट में ये इंश्योर किया कि भाई कितनी भी पढ़ाई करूं मैं कितनी भी पढ़ाई करूं और सीरीज इज मस्ट बैठ के टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट डे ये वाला रूटीन बना दिया था इसीलिए हर बार प्रिलिम क्लियर हुआ हर बार मेन्स लिखा और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं क्लियर हुआ कभी इंडियन फॉरेन सर्विस तो नहीं भरा बट बार हर बार उसका कट ऑफ क्लियर हुआ तो आप ये चीज समझिए

कि जितनी जल्दी आप टेस्टिंग की हैबिट को इनकलकेट कर लेंगे उतना बेटर होगा तो इसको इसको सेल कम समझिए समझिए गाइडेंस ज्यादा चलिए अच्छा आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए यू एनी हेल्प है ना आ, या आपको ये पीडीएफ चाहिए मेरे सेशन के तो आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा दूसरी बात आपको मेरे से कुछ बात करनी है कभी कभी बच्चों को कुछ क्वेरीज होती है आ, ये न्यूज़पेपर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें मैं स्टार्ट कैसे करूं कुछ ऐसी जस्ट जस्ट लीव मी message, ठीक है आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर मैसेजेस ठीक है चलिए एक्ट ईस्ट अब एक्ट ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बाधा आ रही है एक्ट ईस्ट के चक्कर में हमने क्या किया कि 2018 में हमने ये एक तरीके से अलाउ करना शुरू किया कि आ, ये क्योंकि देखिए ये एक ना राइट्स हैं मतलब कम्युनिटी राइट्स कम्युनिटी राइट्स को ऐसे समझिए कि मैं एक कम्युनिटी का हूँ और मैं पड़ोस में बॉर्डर के उस पार मेरी मेरी बहन रहती और उसके पड़ोस में एक तीसरी कंट्री है वहां पे हमारा सबसे बड़ा भाई रहता है तो हमारी क्या कोशिश होगी हम आपस में मिलेंगे तो सही विच शूड नॉट बी डिवाइडेड बाई तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होती है एक्स क्लेवस ऑन क्लेवस अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं या बहुत सारे ऐसा लैंड भी होता है विच इज डिवाइडेड बाई बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज क्योंकि देखिए बॉर्डर जिसने भी बनाया जो भी बनाता है वो यूजली ना पेपर पेन लेके और आपको पता है ये ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल हमेशा बंगाल पार्टीशन की कहानी से याद करिए कि रीजन इस पूरे साउथ एशिया का जो बाउंड्री बनाया गया वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बनाया वेस्ट में तो अगर आपकी कोई ऐसी हेरिटेज की राइट है आपकी कम्युनिटी की कोई राइट है तो उसे रिस्पेक्ट करती है सरकार तो उसी तरीके से फ्री मूवमेंट रेजीम यहां था मतलब ओपन बॉर्डर था भाई आसाम राइफल्स अंदर रहती है आसाम राइफल्स ज्यादा बॉर्डर पे पेट्रोल नहीं करती ज्यादा से ज्यादा तो एक बॉर्डर आउटपोस्ट ना बना के जैसे बी ने बॉर्डर आउटपोस्ट बना रखा है पाकिस्तान पूरे बॉर्डर के चारों तरफ आपके पास आउटपोस्ट मिलेंगे तो क्योंकि आपकी फ्रेटर्नल टाइज है दोनों साइड बॉर्डर के तो आप क्यों ऐसी जगह को एकदम फेंस करके परेशान करके रखोगे मतलब ये मान लीजिए बॉर्डर है तो थोड़ा दूर होके अपने कैंप से आप निगरानी रख रहे हो उसी तरीके से बॉर्डर की कुछ क्रॉसिंग्स हैं बॉर्डर की कुछ क्रॉसिंग्स हैं बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने लगा प्रॉब्लम यह आने लगा ये बॉर्डर क्रॉसिंग छोड़िए क्योंकि दोनों साइड फोर्सेस दूर दूर हैं या म्यांमार में तो आप मान लीजिए कि फोर्स का कोई कंट्रोल ही नहीं है ठीक है अगर मान लीजिए यहां पे हमारी कोई भी असम राइफल्स है और यहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आप मॉनिटर कर सकते हैं दोनों साइड से बट यहां पर अब क्या इश्यू हो गया है दिस हैज फेल्ड दिस हैज फेल्ड पूरा इंडो म्यांमार बॉर्डर पे अगर आप ये इंडिया के साइड है तो इंडिया के आपको ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा चिन स्टेट और आपको रखाइन मिल जाएगा रखाइन मतलब जहां से रोहिंग्या आए अब आप चिन के बारे में बोलेंगे तो चिन इज अ ट्राइबल कम्युनिटी विच है सिमिलर विच आई इज अ फ्रेटरनल ट्राइब ऑफ जो कम्युनिटी मी जो कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी हु लिव्स इन मणिपुर तो ये इनकी फ्रेटरनल टाइज है तो अगर यहां पे देर इज नो गवर्नमेंट प्लीज समझिए देर इज नो गवर्नमेंट यहां पे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अगर नो no गवर्नमेंट है और लोगों के पास गन है और लोग रिबेल मूवमेंट चला रहे तो क्या मैं ये बॉर्डर अभी फिलहाल के लिए खुला छोड़ दूं आप मुझे बताइए क्या ऐसे कंडीशन में आपका घर है पड़ोस में मान लीजिए बड़े वायलेंट लोग आना शुरू हो चुके हैं आपसे नहीं लड़ रहे आपस में लड़ रहे बट वायलेंस की प्रवृत्ति तो बन गई वायलेंस नॉर्मलाइज तो हो गया तो आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आप कुछ करेंगे या आप इग्नोर कर देंगे तो गवर्नमेंट ने इन चीजों को चेंज किया और आप ये देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं इन रीजन ये देखिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पीपल लिबरेशन आर्मी यू एल एफ ए अल्फा NSCN, जो एन एस सी एन के साथ इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है एन एस सी एन इसक मुहिवा एनएसांग उल्फा आपको पता है आसाम इंसर्जेंसी उसी तरीके से से आप इस इस रीजन को इस मैप को देखिए देखिए मैप थोड़ा ध्यान यहां आपको क्या दिखता है रेखाइन स्टेट और रेखाइन स्टेट में ये जगह है सितवे अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ सितवे पे क्योंकि तो हम यहाँ से कालादान अपना प्रोजेक्ट निकाल रहे तो ये, ये रीजन अरक्कन आर्मी के पास है अब आप बोलेंगे सर अरक्कन आर्मी क्या वहां की आर्मी है नहीं सर नहीं सर ऐसा एक स्टेट मानिए और मैं तिलक देवेश्वर जी के शब्दों में यह बात बोल रहा हूं कि हमें वी डू नॉट नो चाइना को भी नहीं पता इंडिया को भी नहीं पता दोनों के बहुत स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस रीजन में किसी को भी नहीं पता कि एक स्टेट रहेगा मतलब म्यांमार यूनाइटेड भी रहेगा या नहीं रहेगा म्यांमार में पावर शेयरिंग होगी या कंट्री बन जाएंगी अलग अलग ये ट्राइब्स आपस में लड़ती जाएंगी या ये एक ये धीरे धीरे ये 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 जो बॉयलिंग पॉट है ये धीरे धीरे और बॉयल होगा इसमें से और धुआं उठेगा क्योंकि हर जगह आप देखिए हर जगह जितनी ये कम्युनिटीज हैं ये मिलके ये मिलके चाहे काचिन हो चिन हो रखाइन हो ये मिल मिल के जो मिलिट्री जनता है वहां की या मिलिट्री हुनता उसको अटैक कर रहे और मिलिट्री जो बीच में डिक्टेटरशिप है ये जो डिक्टेटरशिप है इसने टोपल किया था इसने टोपल किया था कू कु बोलते ना कू किया था 2021 में आंग सांग सू की पूरी गवर्नमेंट को पहले उनसे पावर छीन ली मिलिट्री को इतनी पावर चाहिए इतना परसेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मिलिट्री का और धीरे धीरे फाइनली कू कर दिया जैसे ही कु किया तो ये सारे जितने रेबल्स हैं ये बोले भाई हमें आपके रूल में तो नहीं रहना मैं आपके मिलिट्री रूल में बिल्कुल नहीं रहना तो हर ट्राइब आज लड़ रही ये सारे ट्राइब्स लड़ रहे हैं हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है चारों तरफ। और आप ये मान के चलिए कि सेंट्रल एरिया के अलावा आपका जो कमांड है वो आप कुछ नहीं कर पा रहे मतलब ये है कि जो मिलिट्री रूल है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है जो रेबल मूवमेंट्स हैं वो चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं बल मूवमेंट मिल के एक साथ ब्रदरहुड अलायंस बना रहे हैं और ब्रदरहुड अलायंस मिल के मिलिट्री को मार रही है चारों तरफ से अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट तो तब सस्टेन करेगी ना जब मिलिट्री गवर्नमेंट एक्सपैंड करे बट एक बात बताइए रशिया यूक्रेन वॉर आपने दो साल से देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में कितना एक्सपेंशन हो पाया कहा एक्सपेंशन हो पाया कितने दूर तक गए इसराइल ने गाजा स्ट्रिप एक्सपैंड किया या सिर्फ बॉम्ब की तो आप एक अलग कहानी होती है कि आप बॉम्बिंग कर दो आप चीजों को बर्बाद कर दो लोगों को मार दो एक अलग चीज होती है आप कंट्रोल ले लो तो अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो बॉम्बिंग भले ही हो जाए गवर्नमेंट किसी तरह ओवर पावर कर भी ले तो भी रेबल मूवमेंट खत्म नहीं होंगे। और अगर हर एरिया में आपके हर हर स्टेट में एक ना एक रेबल मूवमेंट चल रहा है तो फिर तो फिर क्या मुझे एज एन इंडियन ये देखना चाहिए कि मेरे इंडियन सिटीजन को कुछ ना हो मेरे इंडियन स्टेट्स को कुछ ना हो बांग्लादेश भी अपना ध्यान रख रहा है क्या इंडिया अपना ध्यान खुद रखेगा या नहीं रखेगा या हम ओपन बॉर्डर्स रखेंगे तो बहुत आराम से ये रेबल्स एंटर कर पाएंगे इस रीजन को ये देखिए कालादान कालादान की बात कब हुई थी आपको शशांक सर ने ये बताया आपको प्रशांत सर ने ये समझाया पीटी सर ने आपको सब ये बताया सितवे पोर्ट अब आप एक बात बताइए कि मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप इस पूरे रीजन में यह सितवे पोर्ट आपका है सितवे पोर्ट फिर पलेतवा और फाइनली आप एंटर कर जाते हैं मिजोरम में ड्रेजिंग करके रोड बना के मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बना के बट आप किस रीजन में है भाई ये है रखाइन का रीजन तो यहां पे आप किसी और से नेगोशिएट कर रहे हैं और यहां पे आप किसी और से नेगोशिएट करेंगे आप कोई और पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आप वहां किसी और से नेगोशिएट करेंगे तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है अपनी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं चाइना की और मैं बात कर रहा हूं इंडिया की भी भी तो चाइना और भारत जहां पे भी बात कर रहा है वो किसी एक इंसान से बात ही नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा स्टांस याद है आपको तालिबान के साथ क्या था कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे बट यहां पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जितने ग्रुप्स हैं उनसे बात की जाए और अरक्न आर्मी ने तो इन्वाइट किया है कि प्लीज़ चाइना के इन्वेस्टर इंडिया के इन्वेस्टर आइए और ये प्रोजेक्ट्स लीजिए पोर्ट खरीदिए हमें पैसे दीजिए आपको ये समझ चीज़ समझ आनी चाहिए कि जहां पे मैं आपको बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ अभी भी आप रेबल मूवमेंट देखिएगा कोलंबिया देख लीजिए अफगानिस्तान देख लीजिए तालिबान कहीं पर भी ऐसे रेबल मूवमेंट चलते हैं वो उसका पैसा कहाँ से आता है उसका पैसा आता है ड्रग ट्रेडिट ड्रग अब ये जो पूरा एरिया है ये फेमस है दिस एंटायर रीजन इज फेमस फॉर वॉट Is, is it इज इट अ रीजन ऑफ ट्राइंगल गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं है ना तो गोल्डन ट्राइंगल का इलाका है रेबेल मूवमेंट है आप नेगोशिएट कर रहे हैं ऐसी पार्टी से जिनको खुद नहीं पता कि कल वो पावर में होंगे या कौन पावर में होगा तो सिर्फ इंडिया यहां पे परेशान नहीं है चाइना भी परेशान है सारी पार्टी से बात हो रही है अब ये देखिए शिफ्टिंग टाइट्स इंडिया तो पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखिएगा कि इंडिया दो तरीके से ऑपरेट कर रहा है अभी तो एक प्लेयर है अभी आप देखिएगा अगले पांच दस साल में आपको देखेगा कि और भी नए नए प्लेयर्स आना शुरू होंगे जैसे मैं देख रहा था कि जिंदल वांट्स टू एंटर पोट्स आप देखेंगे कि इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिकली और इंडिया की हिस्ट्री रही एग्जाम्पल दे देता हूं आपको ऑयल का एग्जाम्पल लीजिए ऑयल में रिलायंस और ये बीपीसीएल, आईओसीएल। तो प्राइवेट एंड पब्लिक इन्होंने मिल के एक तरीके से ऑयल को प्रोसेस करना शुरू किया उसको प्यूरिफाई करना शुरू किया और एक्सपोर्ट करना शुरू किया उसी तरीके से आज इंडिया क्या कर रहा है इंडिया कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स कर रहा है एग्जाम्पल चाबहार और सितवे और उसी तरीके से कुछ प्राइवेट प्लेयर डील कर रहे हैं जैसे अदानी पोर्ट। लॉन्ग टर्म में आपको एक चीज समझ आएगी कि दे विल बिकम वन एंड द सेम दे विल इनेबल इच अदर किस चीज के लिए कि इंडिया का जो ग्लोबल फुटप्रिंट जो ग्लोबल शिपिंग फुटप्रिंट है वो बढ़ जाए जब ग्लोबल शिपिंग फुटप्रिंट बढ़ेगा तो आपके लिए एक्सपोर्ट करना आसान होगा आप हर सप्लाई चेन के पार्ट होगे तो जब फ्रेंड शोरिंग होती है या ऑफ शोरिंग होती है कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के साथ किसी और जगह मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है या चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है आप ये ग्लोबल सप्लाई चेन के पार्ट हो इसीलिए आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो पहले हमने ऑयल में में किया अब पोर्ट कर रहे हैं बट ये तो बहुत अच्छी बात है ये ये तो तो इसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है नहीं ये है ना प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट देखिये रेखाइंग प्रॉब्लम अब रेखाइन से आए क्या रोहिंग्या शरणार्थी कहां सेटल हुए क्या नंबर के हैं क्या आधार कार्ड भी मिल गया इनको और क्या चांसेस है कि अगर अगर इसी मूवमेंट में मैं कुछ डीप स्टेट के एक्टर्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं हर कंट्री ऑपरेट करती है तो चाइना भी यहां पे ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान भी ऑपरेट कर रहा है नेचुरल सी बात है तो क्या मैं शरणार्थी बोल के कुछ स्लीपर सेल के लोगों को नहीं घुसा सकता अंदर आप मुझे बताइए कि क्या ये बहुत आराम से नहीं हो सकता वो छोड़िए क्या हर छोटी सी इशू में मैं अपने ही स्लीपर सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता कॉकटेल फेंक दो एक दूसरे कम्युनिटी पे किसी कम्युनिटी की यू नो फेस्टिवल आ, आ, को हर्ट कर दो कोई को मांस का टुकड़ा जाके फेंक दो किसी भी तरीके से तो जब आप फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम अ कंफ्लिक्ट रीजन आप इन्वाइट कर रहे हैं ट्रबल चाहे आपको कितनी भी अच्छी कनेक्टिविटी मिले जबकि यह पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यह कालादान प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बट आप मुझे एक बात बताइए ट्राइलेटरल तो तब चलेगा जब यह रीजन में कुछ काम होगा यह पूरे रीजन में क्या चल रहा है अभी वॉर इसको सिंपल शब्दों में आप सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन और अब आपको एक बात समझ आएगी कि अगर पड़ोस में वॉर चलता है पड़ोस में सिविल वॉर चलता है ये मोरे कहां है मोरे मोरे इज इन मणिपुर है ना तो मणिपुर पे इसका इंपैक्ट आता अब आप एक बात बताइए तीस हजार लोग थर्टी थाउजेंड पीपल इन मिजोरम सिक्स थाउजेंड पीपल इन मणिपुर मैं आपको ये कह रहा हूं एक परसेंट भी इनका एक परसेंट भी इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव के साथ इंडिया में आया है तो आप समझ सकते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राइट right? ये देखिए द डिफरेंट एरियाज ऑफ डोमिनेंस अब लुक एट दिस दिस एरिया अंडर कंट्रोल क्या ये एरिया कंट्रोल में है नहीं क्या ये एरिया कंट्रोल में नहीं क्या ये, ये, ये एरिया कंट्रोल में नहीं पूरा एरिया इज अब सिर्फ जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ये गवर्नमेंट का कंट्रोल एरिया है जो बीच में इतना सा पट्टी बचा हुआ है तो और, 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 आपस में दोस्ती करके बैठे एवरी वन अ पार्टनरशिप अदर अलायंस बना बना के और एक सॉलिडेरिटी बना के हिट किसको कर रहे हैं गवर्नमेंट को एट दी सेंटर मान लीजिए गवर्नमेंट डिफीट भी हो जाती है मिलिट्री गवर्नमेंट डिफीट भी हो जाती है तो उसके बाद क्या फ्यूचर होगा ये एक साल में कंफ्लिक खत्म होगा दस साल में कंप्लीट होगा पी कैसे आएगा छोटी सी कंट्री नहीं है बड़ी कंट्री है और नॉर्थ ईस्ट से छिपकी हुई है तो नॉर्थ ईस्ट को तो हम इसके कारण अफेक्ट नहीं कर सकते ना हमें सितवे पोर्ट तो चाहिए हमें कनेक्टिविटी तो चाहिए अब यहां देखिए शिफ्टिंग पावर्स इज हैपनिंग ये जो ऑपरेशन वन जीरो टू सेवन है उससे पूरी पूरी इस रीजन की जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो गई जब से ब्रदरहुड अलायंस बनाया डिफरेंट रेबल पार्टी ने जो मैंने आपको बताया ना अलग अलग पार्टी ने मिल बीच पे अटैक किया और एरिया एक से मिलिट्री के हाथ से छीन लिया तो ये शिफ्टिंग पावर्स के कारण आपको ये नहीं पता, आप किसके साथ डील कर रहे हो और यहां पे फ्यूचर क्या होने वाला है। ना ये देखिए जरा हेडलाइन पढ़िए अरक्न आर्मी क्या अनाउंसमेंट है फॉरन इन्वेस्टर मतलब ये कैसे एक्ट कर रहे हैं like मतलब इस रीजन में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से आप इस रीजन में आपको हेल्प कर रही इस रीजन में कोई और हेल्प करेगा इस रीजन में कोई और हेल्प करेगा और ये किनको इन्वाइट कर रहे हैं दे आर इन्वाइटिंग चाइना एंड पाकिस्तान टू सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये वाला जो पोर्ट है ना चाइनीज बैक्ट दिस इज अ चाइनीज बैक्ट पोर्ट जैसे तो अब आप जरा इसको थोड़ा कहानी में समझिए कि अगर अब आप ध्यान से देखिए मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर में तो जम्मू एंड कश्मीर से मैंने आपको बताया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादार तक जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादार तक जाता है फिर मैंने आपको बताया कि जो चाइना ऑक्युपाइड शिंजिया रीजन है वहां से पूरे टिबेट चाइना ऑक्युपाइड टिबेट है यहां तक ये एक्सप्रेस वे बना चुके हैं उसके बाद ये अपने यूनान प्रोविंस से एक एग्जिट एक बनाना चाहते हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बेंगोल देखिए क्या मैं बोल रहा हूं आपको अभी आपको मैप में समझ आएगा ये पूरा पर्शियन गल्फ इलाका हर चीज पे एग्जिट हो रहा है अगर मैं ऐसा एक रास्ता बनाता हूं तो ये रास्ता कहाँ एंट्री दे रहा है चाइना को एंट्री दे रहा है इन बे ऑफ बंगाल तो कंपटीशन भी है कॉन्फ्लिक्ट भी है और इस कंपटीशन के बीच में अचानक से इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क भी हैं इस रीजन में यह है वो पूरा पाथवे जो मैं आपको बोल रहा था जस्ट लुक उनमिंग

तो आप इधर से आप अरेबियन सी को एक्सेस कर लेंगे आप इधर से बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर लेंगे और नीचे से कोलंबो से मॉलडीव के साथ दोस्ती यारी करके आप फाइनली इंडियन ओशन रीजन को भी एक्सेस कर लेंगे तो हमारे लिए तो एक्सपेंशन करना इज द ओनली वे आउट बट इस एक्सपेंशन में हमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं और वो हर्डल्स हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं

और इसीलिए आपको सारे स्टेक होल्डर से बात करना पड़ेगा बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा हर उस रेबल ग्रुप पे थ्रू क्लोज मॉनिटरिंग या कोई भी ऐसा इंसान जो एंटर कर रहा है इंडिया थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो रेफ्यूजीज सीरिया से भागे थे वो जाके जर्मनी में क्या डिमांड कर रहे थे मुझे बताइए वट वर देर डिमांडिंग इन जर्मनी तो जब भी आप माइग्रेंट्स को बुलाते हैं अपनी कंट्री में तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई इंटरनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट हो सकता थैंक यू सो मच प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि हम ऐसी अवेयरनेस बढ़ाएं और मुझे बताइए कि ऐसी और किस टॉपिक पे कौन सी ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक पे आप मेरे से कोई डिस्कशन चाहते हैं थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल